मशीन है, आईएफबी कवासी मशीन है। आईएफबी के मतलब क्या होता है? पहले तो आईएफबी, इंडियन फाइन ब्लैंक, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन फाइन ब्लैंक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मॉडल बताते हैं, कौन सा आपको मॉडल है? सेनेटर, सेरेना सेरेना जेड यस यस 7 kg 1000 RPM एक्वा 3D वाशिश में। तो क्या है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉशिंग मशीन का आपको डेमो प्रॉपर दिखाएंगे। ये 4 स्ट्रीमों डेमो होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। सेकंड क्या होता है, डिटर्जेंट होता है, प्रोग्रामिंग, और चौथा मेंटेनेंस होता है। जब भी हम लोग फर्स्ट क्या होता है, जब भी कपड़े डालते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉकेट चेक करना पड़ेगा। पेन, कॉइन, की, चाबी, ये सब नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग क्या किए, पहले पॉकेट चेक कर लिए। पॉकेट चेक करने के बाद जब भी कपड़ा फिलअप करना है तो गट्ठर बटन नहीं डालना है ड्रम के अंदर, वन बाय वन। जब भी कपड़े आपको डालना है, सिंगल सिंगल करके कपड़े डालना पड़ेगा। कम से कम 50% कपड़ा डालना है, हाईएस्ट 80% तक हम लोग क्या करते हैं, सूखा कपड़ा इसमें डालते हैं। आपने क्या किया, डोर ओपन किया। डोर ओपन करने के बाद और इधर भी दिया जाता है कैसा क्या है, ये सब सिंबल दिया रहता है। तो आपको जब भी कपड़े डालो प्रॉपर चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद कम से कम 50% कपड़े होना चाहिए, हाईएस्ट 80% तक आपको कपड़े इसमें क्या करना है, फिलअप करना है, किसके, ड्रम के अंदर। सबसे पहले हम लोग क्या किए, कपड़े फिलअप कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दरवाज़ा बंद कर देना है। दरवाज़ा बंद करने के बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, लिक्विड डिटर्जेंट। तो अभी हम लोग लिक्विड कहाँ डालते हैं, ये आपने डीडी ट्रे ओपन किया, ये जो फर्स्ट वाला आता है, तो इसमें क्या क्या डालते हैं, लिक्विड डालते हैं। आप आईएफबी का लिक्विड यूज करते हैं, आपको अलग से कंफर्ट, शॉर्पनर, नील, डिटॉल, परफ्यूम कुछ भी डालने की जरूरत नहीं रहता है। सिर्फ कितना 40 ml रोज कपड़े नहीं डालते हैं, सब फैमिली कपड़े हैं तो कितना 40 ml, और उसका कपड़े शाइनिंग, ब्राइटनेस, कपड़े डल नहीं होने थे, जो कपड़े के वैसे रहते हैं वो सब क्या होता है, पूरा बना कर रखता है। जो आईएफबी का लिक्विड होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 5 to 7 रहता है। उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करते हैं, लिक्विड डाल देना है। लिक्विड डालने के बाद सेकंड वाले में क्या क्या डालते हैं, यहाँ पे 3 चैम्बर दिया रहता है। फर्स्ट वाले में लिक्विड डालते हैं और सेकंड वाले में क्या डालते हैं, आपको लग रहा है मुझे कपड़े की स्मेल ही कुछ भी डालना है, जैसे कंफर्ट हो गया, नील हो गया, डिटॉल हो गया, कुछ भी ऐसा चीज़ आपको स्मेल लिए डालना है, तो कहाँ डालते हैं हम लोग, सेकंड में, सेकंड वाले में डालते हैं। थर्ड वाले में क्या डालते हैं, आपको लग रहा कोई हॉस्पिटल गया हुआ है या पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ बैक्टीरिया वाले बहुत ज़्यादा कपड़े रहते हैं, जैसे आपको लगता है बहुत हाइजीन कपड़े हैं, जैसे आपका बेडशीट, चादर, सोफा सेट जो 1 week 2 week में साफ होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड लिक्विड डालते हैं। 40 ml 20 ml यहाँ डालते हैं और 40 ml इस साइड डालते हैं। जब भी हम लोग 40 ml यहाँ डालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, प्री वॉश सिलेक्ट करते हैं। प्री वॉश मीनिंग क्या होता है, जब भी हम लोग प्री वॉश सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यू पानी लेगा, जो एक बार कपड़े खंगाल लेगा, जो गंदे पानी रहता है उसको ड्रेन कर देता है, फिर मेन वॉश मारता है, फिर लिक्विड लेता है, तो क्या होगा, कपड़े के ब्राइटनेस शाइनिंग बहुत अच्छा स्वच्छ क्लीन निकलता है। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत हाइजीन कपड़े हैं तो आपको दोनों साइड लिक्विड डालना पड़ेगा। अभी जो बोले कंपर्ट वगैरह, तो मतलब ये तीनों एक ही साथ डालना, सब एक ही साथ डाल दीजिए। अच्छा, जब भी आपको डालना है सब एक ही साथ फिलअप कर दीजिए डीडी ट्रे में। उसके बाद आपको प्रोग्राम लगा, मतलब ये ऑटोमेटिक लेता है एक के बाद एक, एक के बाद जब उसको नीड रहता है तो क्या होता है, रिंस पे लेता है, तो जब उसको नीड रहता है तभी लेता है। सभी 40 ml डालना, नहीं उधर 40 इधर 20 जो हमें कंफर्ट, कंफर्ट कंफर्ट थोड़ा डालना है, बहुत नहीं डालना है, एक 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 झाकन रहता है वो, हाँ थोड़ा डालना है, और क्या तो थोड़ा डालते बहुत स्मेल रहता है, उसको जब भी डालना थोड़ा डालना, आधा ढक्कन जब भी डालना है आपको। यहाँ इसमें फिलअप कर दिया, फिलअप करने के बाद एक चीज़ ध्यान देना है, कभी हम लोग इसको निकालते हैं, ये जो डबल वाला रहता है अंदर साइड रहेगा और सिंगल वाला बैक रहता है, कभी आपको आड़ा करके नहीं डालिए इसको। अभी क्या, इसको मैं आड़ा करके डाल दूंगा, अभी ये डीडी ट्रे बंद करेंगे लॉक भी नहीं होगा, अभी जाते इसको हम कर दिए अंदर जाके चला गया, अंदर जाके क्या लॉक हो जाता है, तब ये क्या होगा, फिजिकल डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ओपन नहीं होगा। जब भी आपको करना है, कभी ऐसा होता है फ्यूचर में, तो क्या करना, कस्टमर के कॉल रजिस्टर करिए, वहाँ इंजीनियर आके चेक करके उसको जो भी सोल्यूशन उसको करके जाते हैं। ठीक, आपको नॉलेज होना चाहिए, ये जो डबल वाला है पीछे बैक साइड रहेगा और सिंगल वाला आगे साइड रहेगा।
कुछ आपको कन्फ्यूजन है कुछ भी पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए। अभी क्या किए हम लोग, क्या किए इसमें आपको लिक्विड डाल दिए, इसका क्या किए बंद कर दिए। बंद कर दिए, बंद करने बाद अभी क्या है थर्ड स्टेप क्या था, प्रोग्रामिंग आता है। हम लोग प्रोग्राम कैसे यूज करते, कैसे हम लोग इसको प्रोग्राम लगाते हैं उसके बारे में अभी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोग्राम कैसा है, कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले पावर ऑन करते हैं। वहाँ से पावर ऑन करने बाद लाइट नहीं आया हुआ है, तो लाइट नहीं आया है तो फिर पावर हम लोग ऑन करते हैं। यहाँ से पावर ऑन कर दिए, प्लग पॉइंट से, प्लग पॉइंट से ऑन कर दिए हैं। अभी लाइट नहीं आया है, फिर हम लोग क्या करेंगे पावर यहाँ से ऑन करते हैं। इसके हाथ से करो ऑन, इसके हाथ से करो उसको, उसको ऑन करना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या किए पावर ऑन कर दिए है। पावर ऑन करने के बाद कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कैसा क्या करना है, तो इसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। ये जो होता है नोब, ये एंटी क्लॉक घूमता है दोनों साइड, आपको जो भी चाहिए तो इसको क्या करते हैं हम लोग दोनों साइड घुमाते हैं। फिर जो पहले का अपना मशीन आता था इलीना हो गया, इलीना डीएक्स हो गया, सिर्फ वन साइड घूमता था, एक ही साइड आपका राइट साइड घूमता था। ये क्या है अभी इसमें क्या है कि नया नया टेक्नोलॉजी है, अभी क्या है चेंजेज हुआ, तो इसमें एंटी क्लॉक दोनों साइड घुमा सकते हैं ये जो नोब होता है। तो क्या करते हैं अभी आपको जो भी प्रोग्राम चाहिए तो इसको हम लोग एंटी क्लॉक घुमाते हैं, दोनों साइड घुमा सकते हैं। ठीक है, जैसे रिवर्स भी ले सकते हैं आगे पीछे दोनों, वो दोनों साइड घुमा सकते हैं इसको सर। तो अभी क्या है एंटी क्लॉक घुमाते हैं, तो ये जो सिंबल दिख रहा है आपको ये बारी जैसा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या होता था जब कोरोना नहीं था, उसके पहले क्या होता था सब लोग कोल्ड वाले कपड़े धोते थे, जब तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है या कोई हॉस्पिटल गया हुआ है या पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ क्या होता है बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसके लिए जब भी हम लोग कपड़े लगाते हैं उसमें थोड़ा गर्म पानी में कपड़े धो सकते हैं। तो ये स्टीम द्वारा है, यहाँ आप दिख रहा है ना, तो जब भी है आपको यहाँ जो चार सिंबल दिख रहा है गर्म पानी, इसमें हम लोग क्या करते हैं गर्म पानी बहुत हॉट पानी सेलेक्ट करते हैं। सब पे क्या है 30-40 सब टेम्परेचर सेट रहता है, लेकिन आपको लग रहा है कोई हॉस्पिटल गया हुआ है या पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या बहुत हाइजीन कपड़े हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ क्या करते हैं स्टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, मिक्स डेली, ये मिक्स क्या है सॉलिड, जितने फैमिली मेंबर के कपड़े आते हैं, किसी सिंथेटिक, किसी उलन्स, किसी कॉटन, किसी जींस, किसी स्पोर्ट वियर, जितने मिक्स कपड़े सब फैमिली के हैं तो कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं मिक्स सॉइली। तो अब भी क्या है ये क्या है एआई टेक्नोलॉजी है। एआई की मीनिंग क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या करता है कितना पानी चाहिए कितना टाइमिंग चाहिए, एक लग रहा है कि इसको कपड़े कम गंदा है तो ये क्या करता है खुद ही सेंस करता है टाइमिंग कम ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन एडजस्ट करता है लेट हुआ नहीं हुआ है। ये क्या है जब तक ये बिलिंग करेगा, ये जब तक बिलिंग कर रहा है तब तक अभी स्टीम आपको सिलेक्ट नहीं है। अभी आपको स्टीम सिलेक्ट करना कैसे पता चलेगा, अभी इसको दबा कर रखिए, अभी आपको स्ट्रीम सेलेक्ट जब कंटिन्यू हो जाएगा तो आपको इसमें स्ट्रीम सेलेक्ट हो गया है। तो इसमें आपको टाइमिंग भी क्या होगा 2 घंटा 20 मिनट हो जाता है जी। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको जब भी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, जब आपको इसमें कंटिन्यू हो गया है तो आपको क्या होगा स्ट्रीम इसमें क्या होता है सेलेक्ट हो जाता है जी। कॉटन नॉर्मल, जो अपने कॉटन कपड़े आते हैं उस सब कपड़े लगाना है तो कौन सा प्रोग्राम यूज़ करते हैं कॉटन नॉर्मल, जैसे व्हाइट कपड़े हो गए वो सब कपड़े कॉटन के हैं, तो उसके लिए क्या है जब भी हम लोग कॉटन व्हाइट कपड़े धोते हैं तो आपको क्या करना अलग धोना पड़ता है। कि जैसे मिक्स में धोते हैं तो क्या होता है जैसे आपको बहुत ज़्यादा कपड़े अभी क्लीन है उसमें मिक्स में क्या होता है ज़्यादा कपड़े आपको कभी कभी क्या होता है गंदे हो जाते हैं दूसरे कपड़े का उसको लगता दूसरे कपड़े जो रहता है उसका मैल जाकर उस पर बैठ जाता है। जब भी आपको कॉटन कपड़े व्हाइट कपड़े धोने हैं उसको आपको अलग कॉटन कपड़े आपको यूज करना पड़ेगा। हाइजीन, हाइजीन पे क्या आता है जैसे आपको लग रहा है कोई हॉस्पिटल गया हुआ है या पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो क्या आता है बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वाले कपड़े रहते हैं, जैसे 1-2 वीक में जो कपड़े साफ होते हैं सब कपड़ा लगाना है तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं हाइजीन। हाइजीन इस पर क्या होता है टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 60, अभी सब देखेंगे किसी 30 का किसी 40 है लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हैं तो इसमें आपको टेम्परेचर 60 दिया हुआ है और 800 RPM पर रन करता है मशीन।
उसका टाइमिंग कितना है, 2 घंटा 9 मिनट। बेबी वियर, जैसे छोटे बच्चे हैं वो सब कपड़े लगाना है तो कौन सा मोरम यूज करते हैं, बेबी वियर। ये सब क्या, तो छोटे बच्चे बैक्टीरिया वाले कपड़े जाते, छोटे बच्चे जाते हैं वो सब क्या, तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा कपड़े लाते हैं, उसके लिए आपको इसमें क्या हुआ है, ऑटोमेटिक सब कुछ सेट है, 60 टेम्परेचर को दिया हुआ है, सिर्फ आपको प्रोग्राम लगाना है और स्टार्ट कर देना है। कॉटन इको प्लस, कॉटन इको प्लस में क्या होता है, जैसे इसमें कॉटन कपड़े डालते हैं, एक क्या होता है इकोनॉमिक्स मोड होता है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आपका लाइट प्लस पानी बिल सेव करके रखता है, लेकिन आपके इसमें टाइमिंग ज़्यादा रहता है। इसमें 7 kg वेट बता रहा है, 40 टेम्परेचर दिया हुआ है और 1000 RPM पे रन करता है और टाइमिंग कितना है, 2 घंटा 9 मिनट। कैडल वॉश, अभी तक कोई कंपनी कैडल वॉश नहीं बन दिया हुआ है, कोई अदर कंपनी देखेंगे तो उसमें कैडल वॉश नहीं दिया, खाली IFBB ऐसा कंपनी है जो आपको इसमें कैडल वॉश मिलता है। कैडल वॉश से जो प्रोग्राम दिया हुआ है इसमें क्या, तो जिस कपड़ों में बहुत वर्क हुआ रहता है, फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा हो गया, जिस कपड़े में डायमंड सितारा ज़्यादा लगा रहता है और सब कपड़ा यूज करना है, तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, कैडल वॉश। इसमें क्या, तो जो कपड़े में वर्क हुआ रहता है वो सब डैमेज नहीं होने देता है। अभी अपने नवरात्रि चला था, गरबा चल रहा था, उसमें सब लोग क्या पहनते थे, लहंगा चुनरी हो गया, उसको ये मनी वगैरह रहते हैं, आईने के टुकड़े रहते हैं, आईने टू, जैसे अपना राजस्थान में वहाँ क्या होता है, बहुत वर्क वाला कपड़ा रहता है, वर्क, हाँ चनिया चोली जो भी हो गया वो सब कपड़े पहनते थे, तो उसमें क्या बहुत वर्क हुआ रहता है, उसमें स्पिन स्पीड क्या रहता है, सबका अलग अलग रहता है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, मशीन क्या है बहुत धीरे धीरे टंबल करता है, जो भी कपड़े ऐसे चलेगा थोड़ा देर ऐसे घूमे ऐसे घूमता है, तो क्या होता है वो जो जो कपड़े का रहता है वो सब डैमेज नहीं होने देते कपड़े का। तो इसमें क्या होता है, कोई भी पार्ट जो कपड़े के वर्क हुआ रहते हैं कपड़े वो सब रहता है, तो इसमें आपको क्या होता है, डैमेज नहीं होने देता है, इसमें कैडल वॉश में जी। ऑब्लिक टप क्लीन, इसमें 2 फंक्शन दिया हुआ है, रिंस प्लस स्पिन, ऑब्लिक टप क्लीन दिया हुआ। पहले रिंस प्लस मीनिंग समझते हैं, तो जैसे आपने हाथ से कपड़ा धोया हुआ है या पाउच वाले कपड़े हैं या बाथरूम में आपने हाथ से कपड़ा धोया, उसमें क्या होता है, आपको लग रहा है थोड़े कपड़े साबुन लगा हुआ है, ये आपको लग रहा है एक बार कपड़े खंगालना चाहिए, कपड़े पानी लेके उसके बाद ड्राई कर देना चाहिए। तो रिंस प्लस स्पिन में क्या होता है, आपको लग रहा है मुझे अलग से कम्फर्ट सॉफ्टनर नील डिटॉल परफ्यूम देना हुआ है कपड़े में, तो आप इसमें भी डाल सकते हैं रिंस प्लस स्पिन में। पहले क्या, जो आप डालेंगे पानी के साथ में मिक्स करता है, मिक्स करने के बाद उसके बाद लास्ट में ड्राई हो जाता है, जो कपड़े की स्मेल लिया जाता है इसमें क्या होता है, कपड़े वहाँ को मिक्स हो गया। रिंस प्लस स्पिन और ऑब्लिक टप क्लीन, आपको टप क्लीन करना है, इसमें क्या होता है 95 टेम्परेचर हॉट होकर टप क्लीन करता है। अभी कई किसी किसी नए मॉडल में आया हुआ है फंक्शन में, तो 1-2 महीने में ऑटोमेटिक टप क्लीन आ जाता है, जब टप क्लीन आ जाए आपको स्टार्ट कर देना है। तो वो क्या होता है, इसमें आपको कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं डालना है, विदाउट कपड़े आपको चलाना पड़ता है। इसमें क्या है 95 टेम्परेचर हॉट होकर टप क्लीन करता है, किस पे, टप क्लीन पे। आपको अभी कैसे पता चले मुझे टप क्लीन, ये अपने टेम्परेचर वाला बटन है, इसको 3 सेकंड प्रेस करके रखते हैं, मतलब टेम्परेचर वाला बटन प्रेस करना है, ये इसको लोग क्या करेंगे 3 सेकंड आपको क्या करना है, प्रेस करना है, ये आके टप क्लीन। ये क्या करता है, 1 घंटा 36 मिनट चलता है, 95 टेम्परेचर हॉट करके 95 टेम्परेचर गर्म कर पानी गर्म पर तब क्लीन करता है, ये पूरा चलेगा, फिर क्लीन करके पूरा स्टीम बना देगा, स्टीम बनाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब एक बार आप इसको हटा देंगे इसका टाइमिंग वही दिखेगा कितना, 32 मिनट। आपको जब भी करना है 3 सेकंड कौन सा बटन, टप क्लीन टेम्परेचर, टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर वाला बटन आपको दबा कर रखना है, वो आपको टप क्लीन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको, लेकिन वो यहाँ पे रखना पड़ेगा ना एरो, तभी हो जाएगा वो इस पे, हाँ तभी हो जाएगा, तभी होगा। स्पिन ड्राई डिन, आपने हाथ से कपड़ा धोया हुआ है, सिर्फ कपड़ा मुझे सुखाना है। जब लोग गीला कपड़े डालते हैं तो उसका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब भी आपको गीला कपड़े डालना है तो कम से कम 50% कपड़े होना चाहिए, हाईएस्ट 75% कपड़ा डालते हैं, क्यों,
जब लोग गीले कपड़े डालते हैं उसका वेट ज़्यादा रहता है, तो उसका थोड़ा गैप रहेगा तो अच्छा रहता है, मशीन मूव करने के लिए अच्छा रहता है, और मशीन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहता है। डालने के लिए आप 100% डालेंगे तभी मशीन कुछ मना करने वाला नहीं है कभी भी, लेकिन वो रिजल्ट देगा। हाँ, मशीन कभी भी कुछ मना नहीं करेगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है तो आप सेफ्टी करेंगे तो फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रहेगा। सर अभी 100% कपड़ा डाल तब भी मशीन मना थोड़ी करेगा, 7 kg 8 kg डालिए, जितना कपड़े डाले उठ उसके सब चला जाएगा। लेकिन क्या जब कपड़े पानी लेता है उसका लोड डबल होता है, गीला होता है, जब गीला होता है उसको वेट ज़्यादा होता है। अभी नया नहीं क्या स्पिन रहेगा, जैसे आपने हाथ से कपड़ा धोया हुआ है या पाउच वाले कपड़े हैं, सिर्फ आपको ड्राई करना सुखाना है तो स्पिन ड्राइडर लगा कर चालू कर देना है। और अभी स्पिन ड्राई का ठीक है, अभी जो मिक्स ऑयल वगैरह से अपने ऑप्शन बताइए जी, और उस पे कपड़ा धोया हाँ, तो वो ड्रेन और ड्राई ऑटोमेटिक हो जाता है क्या? हाँ, सब कुछ, सब कुछ चेंज नहीं करने का, ऑटोमेटिक सब कुछ है, कोई भी प्रॉब्लम लगाते हैं सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया था। स्पिन ड्राइडर अलग से क्यों दिया हुआ है क्या, जैसे आपको कभी हाथ से दो बराबर आया ध्यान में, वो सब कपड़े हैं सुखा। अभी अभी जो आपने बोला टाइम लगता है वहाँ पे 1 घंटा आधा घंटा बराबर, अभी मशीन लगाया हाँ। आदमी कहीं तो घर में काम कर रहा है, अभी 1.5 घंटा होने के बाद ऑटोमेटिक बंद होगा, कुछ बीप करेगा, यही ऑटोमेटिक इंड हो जाता है। इंड होने के बाद हल्का बीप आता है, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मल बीप आएगा हो जाएगा। इंड होने के बाद आप दरवाजे को कपड़े डाल सकते हैं। नहीं नहीं, लेकिन मतलब अपना अपना ध्यान नहीं है इधर, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, मतलब पावर ही बंद हो जाएगा, पावर बंद। जैसे 15 मिनट टाइमिंग है, 14, 12, 13, 10 रिवर्स जाता है, वो रिवर्स जाता है, लास्ट में जाते जाते जीरो होकर इंड हो जाएगा। इंड होने के बाद थोड़ा देर बाद कपड़े निकाल कर आप डाल सकते हैं। ओके जी, आप कहीं बाहर गए, बाहर आने के बाद कपड़े लगा के गए तो आने के बाद बाद में कर चालू डाल देना, बस इतना करना है। और कितना परसेंट ड्राई होता है? 70-80% आपने कपड़ा स्पिन हो गया 1-2 घंटा फैन नीचे डाले तब भी सूख जाता, पहले जा सकते हैं। उलट वाले कपड़े यूज करते हैं तो इसमें टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो उलट भी कपड़े बहुत नाजुक होते हैं, अभी लोग ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो कपड़े क्या होता है, सुकड़न होने लगता है, चुभने लगता है, बराबर। और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो अभी लोग प्रेस करते हैं, कुछ भी करते हैं तो क्या होता है, हार्ड होता है कपड़ा, हार्ड होता है तो उसमें क्या होता है कि सुकड़न आ जाता है। इसके लिए क्या है, जब भी इसका 30 टेम्परेचर जो भी उलट वाले कपड़े डालना है तो कौन से किस पे डालते हैं, उलट पे प्रोग्राम लगा कर चालू कर दें। बल्क ह्यूमिडिटी इसमें क्या डालते हैं, बेडशीट चद्दर जो बिछाने वाले हैं बल्क ह्यूमिडिटी में आपको लगाना है, तो इसके किस पे लगाते हैं, बल्क ह्यूमिडिटी में। इसका आरपीएम कम दिखा रहा है, फिर 800 दिखा रहा है। बल्क ह्यूमिडिटी में इसमें जैसे डालते हैं उसको वेट ज्यादा रहता है ना, बल्क ह्यूमिडिटी में 2 घंटा दिखा रहा है 800 RPM और 40 टेम्परेचर। कपड़ा कैसा उसके साथ टाइमिंग ऑटोमेटिक सब कुछ सेट कर दिया हुआ है। अभी आपने सिंथेटिक कपड़ा लगाया उसमें टाइम कुछ तो अलग दिखा रहा है, ये 800 RPM हो गया, 800 RPM हो गया है अभी, 1 घंटा 18 मिनट टाइम हो गया, 1 घंटा अभी दो। हाँ, ये क्या दिखा रहा है, वेट बता रहे हैं कपड़े का, कपड़े का वेट बता रहा है, कम से कम 50% हाई 75% यूज कर सकते हैं। बल्क सिंथेटिक डेली जो अपना नाजुक स्वाद याद सिंथेटिक वो सब कपड़े लगाते हैं तो कौन सा प्रोग्राम लगाते हैं, सिंथेटिक डेली तो ये क्या बहुत नाजुक रहता है, इसमें भी क्या है ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, आपका 1 घंटे में टाइमिंग हो गया है, 3 kg वेट बता रहा है जी, और 40 टेम्परेचर दिया, 40 टेम्परेचर जी। जैसे आप मार्केट गए हैं, पार्टी गए हैं, 2-4 घंटे कपड़े यूज, बहुत हल्के नॉर्मल कपड़े गंदे हैं कपड़े यूज किए आपको धोना तो आप इस 15 मिनट बहुत ला के बराबर कपड़े, जैसे हम नए कपड़े लाते पहले क्या करते थोड़ा खंगालते उसके बाद पहनते हैं प्रेस करके, जब भी लगाना है तो कौन सा प्रोग्राम मंगाते हैं, एक्सप्रेस वॉश, बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं है तो आप ये भी प्रोग्राम आप यूज कर सकते हैं। किस पे आप क्वेश्चन किए थे कि कैसे पता चलेगा प्रोग्राम किस पे कहाँ लगता है, आपको जब भी कैसे पता चले जो लाइट दिख रहा है ना आपको हाँ पता चलेगा जो प्रोग्राम लगा हुआ है। ज़्यादा गर्म कपड़े से कपड़े का लाइफ भी कम हो जाता है, कम होता है ना, ज़्यादा गर्म पानी से धोया तो लाइफ कम।
सब पे दिया हूँ, जैसे जो कॉटन कपड़े रहते हैं उस ज्यादातर गंदे रहते हैं, उसके लिए कॉटन लिया तो गर्म पानी चाहिए ही सर आपको, बराबर कॉटन लिए सब पे ऑटोमेटिक दिया हुआ है, ऐसा नहीं खराब करेगा कोई भी चीज़, खराब नहीं करता। कपड़ा कैसा है उसके हिसाब से टेम्परेचर कम हुआ है जी, आपको लग रहा है मुझे आपको ऐसा स्टर ना लीजिए, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको बता देते कैसे, आपको आपको लग रहा है कि आरपीएम कम ज्यादा करना है, कंपनी ने क्या किया सब कुछ सेट किया हुआ, आप रहता मुझे कम ज्यादा करना है, हम स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, जीरो हो गया 400 600 800 1000 रहता है इसका लास्ट कितना 1000 था, आप रहता मुझे ऐसा कभी हो कि ठंडे पानी कपड़े धोना होगा या 30 टेम्परेचर लेना होगा, इसमें कॉटन कितना है 60 दिया हुआ है, आप लोग मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम लोग यहाँ टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं, 40, 60, 95 कितना 95 टेम्परेचर, एक यार प्री वॉश रेट होगा, आप बताते हैं कैसे प्री वॉश रेट, इसका टाइमिंग कितना है 2 घंटे 1 मिनट टाइमिंग है, आपको एक चीज बताया कि जब हम लोग प्री वॉश रेट करते हैं तो दोनों साइड पानी लेता है, यहाँ पे जब यहाँ क्या होगा कांटे में वही पानी लेगा जो गंदे पानी है उसको ड्रेन कर देता, फिर मेन वॉश वाले तक फिर लिक्विड लेता है तो कपड़े पर अच्छे बहुत क्लीन स्वच्छ निकलते हैं, तो उसको कैसे पता आपको प्री वॉश रेट हुआ है, इसका टाइमिंग कितना दिख रहा है आपको 2 घंटे 2 घंटे 1 मिनट ये आपको प्री वॉश रेट हो गया है ओके। जो आपको 2 घंटे 1 मिनट टाइमिंग था तो उसमें थोड़ा प्लस हो जाता है ओके। 2 घंटा 5 मिनट हो गया तो 4 मिनट में प्लस होता है, जिसमें क्या वो पानी कंटिन्यू इसी प्रीवॉश में लेगा, प्रीवॉश में लेने के बाद उसके बाद जो गंदे पानी रहता है उसको ड्रेन कर देता है, फिर मेन वॉश मारता है फिर लिक्विड लेता है तो उसमें कपड़े ऐसे स्वच्छ के लिए निकलते हैं। आपको बताया था स्टार्टिंग पे कैसे आरपीएम सेट करते हैं, तो यहाँ से लोग आरपीएम आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, कहाँ से यहाँ से इस आपका स्टीम सिलेक्ट हो गया, आपको लगा मुझे 4 लाख करना है तो आपको कैसे पता 4 लाख हुआ है कि नहीं हुआ है, ये दिख रहा है ना, तो आपको स्पिन और स्टीम वाला बटन दोनों कंटिन्यू 3 सेकंड प्रेस कर रखते हैं, आपको लगता मुझे 4 लाख करना है तो ये दोनों बटन दबा कर रखते हैं, ये जब स्टार्ट है तभी 4 लाख होता है, अभी आप स्टॉप रहेंगे तो 4 लाख नहीं होगा, हाँ मतलब चालू ही तभी होगा, चालू होगा तभी, हाँ वो चालू ही तभी चाहिए, वो कई क्वेश्चन करते हैं अभी मशीन बंद तुरंत 4 लाख करते हैं, वही वैसे कैसे होगा, जैसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं सर आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन करते हैं, तो पावर तो ऑन होने से ना, अभी आपको 4 लाख करना है, स्पिन और स्टीम वाला बटन 3 सेकंड पे देख सकते हैं, ये 4 लाख हो गया, अभी कोई बटन आपका काम नहीं करेगा, ये देख रहे हैं ना, एक दब दबा रहे हैं आपको 4 लाख हटाना है, फिर 3 सेकंड दोनों फिर बटन दबा कर रखना, कौन रहा स्पिन और स्टीम का, खुल गया 4 लाख हो गए, अभी स्टॉप हो गया, बराबर वो स्टॉप करने का है क्या, स्टॉप है आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, नहीं नहीं वो बटन का कौन सा है, स्टार्ट पर दोनों होता है, स्टार्ट भी वॉइस करते हैं, पॉज भी आप वॉइस करते हैं, आपको अच्छा। लग रहा है मुझे एक दो कपड़ा ऐड करना है बीच में, हाँ। तो थोड़ा देर 30 सेकंड रुकने के बाद आप दरवाजा ओपन करते हैं, देखिए नीचे तक पानी है तभी आप ऐड कर सकते हैं, अभी यहाँ तक पानी आ गया है, अभी आप ऐड करेंगे पहले क्या होगा कपड़े सब पानी बाहर आ जाएगा तब आप ऐड कर सकते हैं, अभी आपको लगता है मुझे एक दो कपड़े और ऐड कर भूल गए हैं, कभी लग रहा है एक दो कपड़े ऐड करना है, आपको लगता है नीचे तक पानी है, स्टॉप करिए 30 सेकंड पानी यहाँ तक है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा पहले कपड़े सब पानी बाहर आ जाएंगे तब आप कपड़े ऐड कर सकते हैं, क्या होगा उस कंडीशन क्या करना है, यानी लेकिन वहां तक अगर पानी रहता है दरवाजा खोलते तो पानी भी बाहर आ गया ना, सब कुछ बाहर आपको समझा वही बात कहीं कहीं तो रनिंग मेन बग महत्व से ये खुलता ऐसा नहीं है, कहीं कहीं क्वेश्चन होता है कि दरवाजा नहीं खुलता रनिंग में, लेकिन नहीं ये नहीं होता, लाइट जाने के बाद ये लॉक नहीं होता ना मशीन, नहीं खुलेगा लेकिन तो पानी रहेगा सब बाहर आ जाएगा, दरवाजा ओपन करेंगे हाँ। इसका क्या है 4 साल का वारंटी दिया हुआ है, फिजिकल डैमेज नहीं होना,
टॉयलेट को वारंटी नहीं रहता है, ऑटोमेटिक कुछ भी प्रॉब्लम होगा सबको कंपनी 4 साल तक करता है, और 10 साल क्या होता है मोटा वारंटी। अभी क्या था सब भी कंपनी उतना नहीं दे रहा, जब भी कंपनी का चार आपको 10 ईयर तक मोटा वारंटी दे रहा है। बहुत कंपनी वॉशिंग मशीन बनाता है तो क्या होता है उसका पार्ट नहीं मिलता है, आप इतना महंगा मशीन परचेज करते हैं जब इसका पार्ट नहीं मिलेगा तो इसका पार्ट क्या होगा मशीन की वैल्यू जीरो हो जाएगा। 35-40-50 हज़ार मशीन कर देते हैं तो क्या इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। तो ये भी कंपनी क्या है 4 साल तक सॉफ्ट बिक जाएगा, चलेगा सर कोई दिक्कत। तो क्या है 4 साल तक आपको सब कुछ फ्री रहता है और 10 साल तक मोटर वारंटी रहता है, उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम होता है 4 साल बाद आपको पार्ट कंपनी क्या है 10 साल तक स्पेयर पार्ट सपोर्ट है, किधर भी कंपनी देगा आपको पार्ट स्पेयर पार्ट 10 ईयर तक। तो क्या है आपको बेनिफिट है कि है कि आपको पार्ट मिलेगा कंपनी कहीं से भी लेकर दे 10 साल तक स्पेयर पार्ट सपोर्ट आपको करेगा जी। और कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आपको, अभी आपने सब बताया लेकिन पानी कब चालू करना वो नहीं बताया। पानी हरदम चालू रहने दीजिए, नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा मतलब अभी चालू है हाँ, उसको हरदम चालू रहने दीजिए, जब इसको मशीन नीड है तभी पानी लेता, मशीन एक्स्ट्रा पानी नहीं लेता है, ये 24 घंटे चालू है कोई दिक्कत नहीं है, जब मशीन नीड रहेगा तभी पानी लेगा तो ऑटोमेटिक ब्लॉक होता है, ऑटोमेटिक पानी देता है, जब इसको मशीन नीड होता तभी पानी लेता है। वैसे भी अपन ने बंद कर लिया जब मशीन चालू करना है तभी चालू की तो भी चलेगा, और रोज ध्यान नहीं आता, कभी कभी हम लोग मशीन लगा दिए तो ध्यान नहीं आया चालू कर दिए तो इरादा नहीं लगेगा, आप बंद कर सकते ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको तो ध्यान होना चाहिए जल्दी घाय में काम है वो घूमेगा एरर आने लगेगा, घूमेगा भी नहीं वो पानी नहीं ले उसका एरर आ जाता है, सब चीज़ की जो प्रॉब्लम आएगी उसका एरर डिस्प्ले पाता है सर, हाँ जो इसका एरर हो बताएगा। मतलब अभी पानी भरा है इसमें? पानी नहीं भरा है, पानी चालू है, पानी चालू है, कभी मशीन चालू करेंगे तो आपका इसमें मशीन चालू होने बाद लेने लगेगा, डालने के बाद ही कपड़े डालिए लिक्विड डालिए और वहाँ स्नान करिए, यहाँ से आने के प्रोग्राम से स्टार्ट करिए, बस इतने करना रोज के लिए। नहीं नहीं अभी तो ऑन है ना तो अभी पानी नहीं ले रहा, वो पानी नहीं ले रहा जब तक कपड़ा नहीं डालेंगे तब तक नहीं लेगा, जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी तो स्टार्ट है ना, कहाँ स्टार्ट है फिर स्टार्ट किया तो किसमें? मतलब अभी और क्या करना है, अभी स्टार्ट तो है ना, नहीं नहीं अभी हम लोग क्या मशीन आने लेकिन आपको स्टार्ट वाला बटन दबाना पड़ेगा ना, मशीन तो आने रहेगा लेकिन स्टार्ट पास हाथ जब तक यहाँ तक स्टार्ट करेंगे तब तक मशीन स्टार्ट नहीं होगा। अभी स्टार्ट करेंगे तो पानी गिरना चालू होगा, पानी गिरना चालू होगा सर, आने का तीन चाय का इधर फ्रॉक वगैरह जी प्ले करेगा तो स्टार्ट करेगा तभी होगा विश्वास अपन आन का इधर। और इसका मेंटेनेंस 2 से 3 चीज होता है, जितने कंपोनेंट पार्ट होते हैं इसलिए फिल्टर आता है, आप फिल्टर लगा कर रखते हैं तो अपना जो कैल्शियम मैग्नीशियम होता है वो चपकने नहीं देता ड्रम के ऊपर, जो हीट जो हीटर के ऊपर क्या होता है इसके ऊपर लगा देते हैं, इसके ऊपर क्या होता है कुछ भी जाएगा तो लेयर बनने लगता है खराब हो जाता सॉरी तो क्या आता है इसके ऊपर अभी जो हीटर है हीटर के ऊपर कुछ भी जाएगा तो लेयर बनने लगेगा, जो NTC होता है NTC को क्या होता है सिग्नल मिलता है पानी कितना गर्म हो कितना नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक कटआउट करता है, इसके ऊपर कुछ लेयर बनेगा तो क्या होगा उसको सेंस नहीं कर पाए, जो अपना सेंस क्या जो सेंसर होता है AI टेक्नोलॉजी क्या होता है कि कितना कपड़ा गंदा है कितना क्या है उसके साथ टाइमिंग ऑटोमेटिक सेंस करता है, उस सेंस नहीं करेगा आपको टाइमिंग फिर बढ़ता जाएगा, जैसे उसको सेंस करता है तो टाइमिंग कम हो जाता है, कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो टाइमिंग ज़्यादा करता है, जितने कंपोनेंट पार्ट होते हैं तो उसके सेफ्टी के लिए फिल्टर आता है, ड्रम हीटर टफाव डेपर जितने कंपोनेंट पार्ट है उसको लॉन्ग टाइम आप फिल्टर लगा कर रखेंगे तो वो जो फिल्टर है एक बार लगाते हैं तो लॉन्ग टाइम पे अच्छा रहता है। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आपको कुछ प्रॉब्लम, अभी ये खाली डेमो देखेंगे कपड़ा डाल के तो डेमो दिखा देंगे सर वही बाकी कुछ नहीं।